दोस्तों ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में हूँ और यहाँ पर एक बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही बेहतरीन बाइक आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये थंडर बोल्ट की बाइक है और थंडर बोल्ट की बाइक का जो आप लुक इस समय देख रहे हैं ये एकदम बिंदास है और शायद मुझे लगता है कि आपने इस तरह का लुक पहले कभी नहीं देखा होगा क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बाइक हैं लेकिन इतना अट्रैक्टिव लुक अभी तक किसी ने नहीं बनाया। तो इसमें क्या खास बात है, किस तरह की इसके अंदर बैटरी यूज की गई है, कितनी गारंटी है, कितनी वारंटी है और कितने रुपए में से खरीदी जा सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम अपनी वीडियो आपको देने वाले हैं। तो मेरे साथ पंकज शुक्ला जी हैं और पंकज शुक्ला जी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। अच्छा भैया ये बताएं, ये जो जिस तरह की बाइक थंडर बोल्ट है क्या मार्केट में आ चुकी है ना? ये सर अभी ये मार्केट में आ जाएगी, वन मंथ में आ जाएगी सर, ये इंडिया में किसी भी मार्केट में कहीं पर नहीं है? नहीं अभी ये किसी इंडिया में किसी। आपकी डीलरशिप है वो भारत में कहाँ कहाँ पर होगी? अपनी सर डीलरशिप मैं इंडिया में 50 डीलरशिप है। कितनी? 50 50 है अभी। जी जी। अच्छा सर इसकी खासियत बताएं पहले, क्योंकि इसकी जो लुक हम देख रहे हैं उसके हिसाब से खासियत भी मुझे लगता है काफी ज्यादा होंगी इसमें। जी जी। खासियत क्या क्या है इसमें? खासियत सर इसमें लो हाई मीडियम हाई का ऑप्शन है इसमें। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा ये फ्रंट और रिवर्स दिए दो, फ्रंट और रिवर्स है। और इसका जो मीटर है सर काफी मीटर तो डिजाइन करके अच्छा से बनाया गया, इसमें बोल्ट भी शो करेगा जी, चार्जिंग पे बोल्ट मतलब भी शो करेगा, कितने बोल्ट अभी कितने बोल्ट की बैटरी है, कितनी चार्ज है वो शो करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो यहाँ पर देखा 72.5 ये इतने वोल्ट की इसके अंदर बैटरी लगाई गई है, बैटरी लगाई गई है। बाकी ये जो यहाँ पर देखे ये चार्जिंग बता रहा है, इसमें फुल चार्ज है जी। अच्छा ये गियर का बताएगा। अच्छा तो सर ये चार गियर क्यों बता रहा है? गियर तो इसके अंदर तीन है ना सर? नहीं ये गियर अभी ना ये लो मीडियम हाई ये चार अभी हम और इस ऑप्शन एक बढ़ाएंगे। अच्छा एक ये एडवांस में दे दिया, चौथा गियर आएगा इसके अंदर? आएगा अभी। अच्छा अच्छा ये चार्ज होने में कितना समय लेती है इसकी बैटरी? चार्ज होने में सर 5 से 6 घंटे लगते हैं। 5 से 6 घंटे। लिथियम आयन बैटरी इसके अंदर यूज की गई? लिथियम आयन बैटरी इसमें यूज की है, 72 वोल्ट 60 Hz की। अच्छा एक बार चार्ज होने के बाद कितने किलोमीटर चलती है? एक बार चार्ज होगी सर 150 किलोमीटर चलेगी, चल जाएगी 150 किलोमीटर। और मैक्सिमम स्पीड कितनी है सर? मैक्सिमम सर 85+ है। 85 से ऊपर है? हाँ 85 से ऊपर है। अच्छा सर इसकी बैटरी की गारंटी वारंटी क्या है? इसकी बैटरी की वारंटी सर 3 ईयर है। और इसकी मोटर की गारंटी? मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 ईयर है सर। 2 ईयर सर जी। और अगर इसमें मोटर हमने 2000 वाट का यूज किया है। हाँ जी। हाँ तो मोटर इसमें कहाँ लगाया गया सर? मोटर सर ये मोटर होता है इसमें। अच्छा मोटर रिम में, रिम में। और बैटरी कहाँ पर लगाई गई है? बैटरी सर ये बैटरी आगे लगाते हैं। अच्छा यहाँ पर ये बैटरी लगाई गई है? जी जी। अच्छा अच्छा। और ये जो इसमें ये तेल की टंकी दे रखी है तो ये नमूना है या इसके अंदर कुछ आता है? इसके अंदर अभी हम करेंगे, इसके अंदर बॉक्स या चार्जर रखने का बनाएंगे। अच्छा मतलब ऐसे बॉक्स बनाएंगे ताकि इसके अंदर जो भी अपने काम की चीज़ है वो रखी जा सके। हाँ, जैसे चार्जर हो गया। हाँ। अच्छा तो जिस तरह से इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी रखी है, अगर कोई इसके अंदर लिथियम PO4 बैटरी रखवाना चाहता है तो हो जाएगी क्या? हाँ सर वो रख सकता है, इसके हिसाब से बॉक्स के हिसाब से उसको बनाना पड़ेगा, वो लगा सकता है PO4 लिथियम आयन दोनों लगा सकता है। जैसे आपने बताया था कि इसकी जो गारंटी है जो बैटरी की है 3 साल बताई थी शायद आपने? जी सर 3 ईयर है। 3 ईयर्स में तो वैसे नॉर्मली चल कितने साल जाएगी सर? ये तो गारंटी होगी चलो 3 साल की, लेकिन चल कितने जाएगी? चलती है सर, वैसे तो नॉर्मली चलती है 4 ईयर 5 ईयर चलती है। हाँ। नॉर्मली 3 ईयर चलती है बस, साइकिल होता है जो थोड़ा सा बैकअप में होता है, बाकी चलती सही है, सही चलती है। जैसे 1 ईयर में 150 चल रही है, 1 ईयर 150 चल गई, और 2 ईयर में जो है थोड़ा सा साइकिल कम हो जाता है। हाँ। 140 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। हाँ। कितना फर्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता। फिर भी सब बहुत अच्छा है ना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारी जो स्कूटी हैं बाइक हैं वो एक बार चार्ज होने के बाद में 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर है या उससे भी कम चल रही है। तो ये फिर भी आप बता रहे हैं कि 150 किलोमीटर चल रही है तो बहुत चलती है सर बाइक। जी जी। और जिसके घर की शहर से दूरी लगभग 8 या 10 किलोमीटर है वो तो कैच चक्कर लगा रहे हैं ना सर इसे? आराम से सर, आराम। अच्छा तो सर इसकी कीमत क्या रखी है आप लोगों ने? इसकी कीमत सर 1 लाख के आसपास रखी है। 1 लाख के आसपास? हाँ। तो ये मार्केट में कब तक आ जाएगी? मार्केट में सर वन मंथ में आ जाएगी। हाँ। अच्छा तो आपसे संपर्क कैसे किया जा सकता है, जो हमारे व्यूवर्स इस समय वीडियो देख रहे हैं वो किस तरह संपर्क कर सकते हैं? वेबसाइट वगैरह आपकी हो? वेबसाइट भी है सर, नंबर भी आप डाल दीजिएगा। वेबसाइट क्या सर? अपना वेबसाइट है sandaksolar.com। कितने सर? sandaksolar.com। संडक? हाँ sandaksolar.com। अच्छा और कॉन्टैक्ट नंबर भी है सर कोई? कॉन्टैक्ट नंबर भी है सर 700-70-70-555-90। संडक मतलब सर SUNDAK? यस sandaksolar.com। हाँ तो दोस्तों आपने वेबसाइट भी इनकी सुन ली है और उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी हम वीडियो में बता चुके हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव ये बाइक है, अगर आपको
इस तरह की कोई बाइक खरीदनी है तो इसे संपर्क कर सकते हैं, वेबसाइट पर जा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और इसके बारे में और भी जानकारी जो हम अपनी वीडियो में नहीं दे पाए वो जानकारी भी आप इनसे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी इसी तरह की वीडियो लगातार मैं अपने चैनल पर दिखा रहा हूँ और आगे भी दिखाते रहूँ ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो इन तरह की चीज़ों को आसानी से समझ सकें और जो अन्य हमने वीडियो दिखाए उनके बीच में और इसके बीच में कंपैरिजन आप लोग कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।